वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और जैसा कि अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर जो आज का है करीब 5 डिग्री सेल्सियस है। बाहर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अभी तो स्टेडियम के लिए भी निकलना है, वॉकिंग के लिए मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं अपनी चाय को कंप्लीट कर रहा हूँ सुबह की, इसके बाद तैयार होकर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं ग्राउंड में आ चुका हूँ और आज हालांकि कोहरा कम है, कम क्या लगभग ना के बराबर है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और इस टाइम 7:40 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सूरज का कोई अता पता नहीं है। देखते हैं सूरज निकलता भी है कि नहीं निकलता, पता नहीं क्लाउड है या फॉग है, समझ से परे है। ये निकल जाता तो बहुत अच्छा रहता समय से, ठंडी बहुत बेकार होती है। चलिए अपने कार्डियो वर्कआउट को कंप्लीट करते हैं। तो अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है मैंने, फील्ड का, वॉकिंग का, और चलते हैं अब जिम की ओर। हालांकि आज मौसम पहले के दिनों में काफ़ी हद तक ठीक था, और हालांकि ड्यू ज़रूर है जिसके वजह से जो ग्रासेस हैं थोड़ी सी वेट है। हालांकि कल के मुकाबले तो बहुत ही ठीक है, तो दो ही चक्कर मैंने फ़िलहाल लगाया आज, क्योंकि आज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं तो राउंड कम्प्लीट करके अब चल रहा हूँ जिम की ओर। तो ये अपना वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और निकलते हैं अभी घर की ओर। और घर पे चल के धूप निकली होगी तो आज जल्दी नहाएंगे, नहीं तो फिर दोपहर में नहाना होगा। ठंडी अभी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने का। तो फ्रेंड्स, अभी नहा धो चुके हैं और बाहर धूप में चलते हैं, वहाँ बैठ के अपना लंच कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोपहर के 1 बज गए हैं तो लंच ज़रूरी है। लंच 2 रोटी दाल सब्जी। तो दोस्तों, अभी बाहर धूप में बैठा हुआ था, शाम के 4 बजने वाले हैं, कुछ नहीं कर रहा था फिलहाल तो मैं, मगरमच्छ की तरह लेटा हुआ था अभी बाहर चारपाई पे, क्योंकि अंदर बहुत ठंड है और सुबह शाम तो गलन बहुत ही ज़्यादा है। फिलहाल कहीं निकलने का प्लान तो नहीं है, अगर निकलना होगा तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि कहाँ जाएगा आदमी इस ठंड में। चलिए देखते हैं क्या होता है, अभी तो 4 ही बज रहे हैं। ये देखिए आप, इस लकड़ी को मैंने इसको चीजल और हैमर की मदद से छील छील कर आधा कर दिया है। और ये देखिए छिली हुई लकड़ियाँ जो कि रात में जलाने के काम आती हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो तसले में जलाने के काम ये ज़्यादा आती हैं। पहले ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये जो मोटी लकड़ी है इसके बराबर हुआ करती थी ये लकड़ी, और हालांकि इसको भी अभी ख़त्म कर देंगे छिलकर, और क्योंकि थोड़ी सी भी व्यस्तता है एग्ज़ाम को लेकर तो अभी इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इस वीक के बाद ये बचेगी नहीं लकड़ी। और ये देखिए गौशाला है हमारे यहाँ की, गौशाला क्या 2-3 गाय हैं बस। बदमाशी कर रहा है ये, देखिए भाग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6:15 रहे हैं और इस टाइम हम पोहा खा रहे हैं अभी, और उसके बाद आग के पास चल के बैठेंगे क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, अब शाम होते होते ठंड बढ़ रही आ रही है। तो फिलहाल हम लोग आग के पास बैठे हैं और आग सेक रहे हैं, और अपना डिनर कंप्लीट हो गया आज, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया, तो अभी कुछ काम करेंगे उसके बाद फिर सोएंगे। तो आज के ब्लॉग को भी अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप। थैंक यू।